हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। दुनिया में जितनी भी नशीली चीजें हैं उससे ज्यादा नशा सत्ता में होता है। सत्ता का नशा किस कदर सत्तारूढ़ दल के लोगों पर हावी है उसकी बानगी आगरा में देखने को मिली। आगरा फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक चौधरी उदयभान के पोते ने होटल में बैठी युवती के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसके दोस्तों को धून दिया। लेकिन मामला यही नहीं थमा, उसने युवती के दोस्तों को अगवा करने की भी कोशिश की। देर रात उसने युवती के एक दोस्त से दोबारा मारपीट की। हद तो तब हो गई जब विधायक के पोते ने पुलिस को मामले की जानकारी देने वाले एक युवक को फोन कर जमकर गालियां दी और जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं दूसरे शिकायतकर्ता को उसके घर से अगवा कर लिया। दोनों ने आरोपी कुणाल चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस अब तक उस पर हाथ डालने से बच रही है। सर चढ़कर बोल रहा सत्ता का नशा, विधायक के मनचले पोते की घटिया करतूत, शूटिंग के लिए आई युवती से की छेड़छाड़, विरोध करने पर उसके दोस्तों से की मारपीट, अगवा करने का भी किया प्रयास, देर रात एक दोस्त से दोबारा की मारपीट, पुलिस को सूचना देने वालों से भी भिड़ा कुणाल, एक को दी जान से मारने की धमकी, दूसरे को किया अगवा। कुणाल के खिलाफ दो अलग अलग थाने में केस दर्ज। केस दर्ज होने के बाद भी अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। रसूख के आगे वर्दी ने टेके घुटने। पोते पर कब चलेगा कानून का सोटा? सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही कानून का राज स्थापित करने में जुटे हों, लेकिन उनकी कोशिशों पर सत्तारूढ़ दल के नेता ही पानी फेरने में लगे हैं। सत्ता का नशा उनके सिर चढ़कर बोल रहा है और कानून को ये लोग अपने पैरों की जूती समझते हैं। लेकिन आगरा में जो कुछ हुआ वो हैरत अंगेज है। आइए आपको तफसील से बताते हैं कि विधायक के मनचले पोते ने किस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई। विधायक पौत्र के सड़क पर झगड़े की पटकथा यमुना किनारे एक होटल से शुरू हुई थी। यूट्यूब की एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पहुंची युवती का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करने वहां गई थी। यहां फतेहपुर सीकरी के बीजेपी विधायक चौधरी उदयभान सिंह का पौत्र कुणाल चौधरी अपने 8-9 साथियों के साथ पहले से ही मौजूद था। उसने जबरन उसे पकड़ कर किस कर लिया और विरोध करने पर उसके और साथियों के साथ मारपीट की। इसके बाद दोनों साथियों को गाड़ी में खींचकर अपहरण की कोशिश की। देर रात जब उसका दोस्त परम कपूर अपने भाई रोहन के साथ गुजर रहा था, तब उसके साथ दोबारा मारपीट की। इसी बीच वहां से गुजर रहे नौशाद और विशेंद्र सिंह ने पुलिस को फोन कर घटना के बारे में सूचना दी। इसके बाद कुणाल का उन दोनों से झगड़ा शुरू हो गया। नौशाद को फोन पर धमका कर घर से बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आया। तब कुणाल ने विश्वेंद्र को उसके घर से उठा लिया। विश्वेंद्र के पिता मानवेंद्र ने कुणाल के खिलाफ न्यू आगरा थाने में अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं नौशाद ने फोन पर धमकी देने का केस दर्ज कराया। एक केस न्यू आगरा थाना तो एक थाना छत्ता में दर्ज किया गया है। लेकिन पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ने की जहमत नहीं उठा रही। उठाती भी कैसे, आरोपी विधायक का पौत्र जो है। एक लड़के से बदतमीजी कर रहे थे, तो वहाँ से मैंने देखा कि वो तो हमारा दोस्त था रोहन कपूर। तो वहाँ पे मैंने घटना स्थल से हटके 100 नंबर पर सूचना करी। 100 नंबर पर सूचना करी तो 100 नंबर वहाँ पहुँची तो ठीक, लेकिन 100 नंबर ने कुणाल चौधरी को मेरा नंबर दे दिया और कुणाल चौधरी के मेरे पास रात भर फोन आ गए, गाली गलौज करता रहा। 100 नंबर ने मेरा नंबर दे दिया, इसलिए कुणाल चौधरी मुझसे खिसे आ गया और वो मुझे रात भर फोन कर रहा, गाली गलौज देता रहा, बदतमीजी करता रहा और मेरे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग भी है। जब इस बारे में आगरा पुलिस से बात करने की कोशिश की गई, तो वो कुछ भी बोलने से बचती नजर आई। अब देखना है कि आरोपी कुणाल पुलिस की गिरफ्त में कब आता है या फिर राजनीतिक रसूख के आगे घुटने टेकती हुई वर्दी मामले को रफा दफा कर देती है। पुलिस ने दोनों थानों में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन चौधरी उदयवान सिंह का नाती पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है। कहा जा सकता है कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए जहमत नहीं उठा पा रही है, क्योंकि मामला सत्ता से जुड़ा हुआ है।
हालांकि जब पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की तो पुलिस कैमरे के सामने भी बोलने से कतरा रही है, क्योंकि आरोपी कोई आम आदमी नहीं है, वो विधायक का नाती है। अब सवाल ये उठता है कि विधायक का नाती पुलिस की गिरफ्त में कब तक आएगा, ये बड़ा सवाल। समाचार प्लस के लिए आगरा से शिव चौहान।